इस हवेली में कितनी इज्जत है आपकी ये बताने की जरूरत नहीं है मलिक। और ताकत ना आपके पास है ना आपके हाथ। अगर होती तो छोटी ठुकराइन कहीं भटकती। क्या बोला क्या बोला? तेरी माँ की। क्या होगा मालिक? मारिए ना। रुक क्यों गए? ऐसा करके मैं अपने आप को सही साबित तो नहीं कर सकता ना। मेरे बारे में जो तू सोचता है पुष्पा और छोटे भी तो वही सब सोचते होंगे मेरे बारे में। कमजोरी बनती जा रही हैं। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तो तड़पती रह जाती। पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो जागे हुए हैं। देखो ना। ठीक है जाती हूँ। अरे मुझे नींद नहीं आ रही थी ना तो बाहर थोड़ा टहलने के लिए चली गई थी। पिछवाड़े छोटे के साथ देखा मैंने तुझे। बोलना बेशरम, कहाँ गई थी तू? छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, मुझे बात करनी है, छोड़ी मुझे। बोल। क्या बात करनी है तुझे? आ गई थी मैं बाबू से मिलने। सुनना चाहते हैं ना आप?
तो सुनिए, मेरे जिस्म को सुख चाहिए और मेरी कोख को हालात, और आपसे तो हो ही नहीं पा रहा है। आप तो मुझे बांझ कहके इस घर से बाहर निकाल दोगे, जैसा अपनी पहली बीवी के साथ किया था। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं दूंगी इस हवेली को चिराग। बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू इस घर की ठकुराइन है। आ रही है मुझे शर्म। तभी तो जो भी किया इस घर की चार दीवारी के अंदर किया, कहीं कहीं बाहर जाके मुंह नहीं मारा मैंने। और हाँ, आज के बाद आप मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। साली, हवेली को चिराग देने के नाम पर अपने जिस्म की आग बुझाती रही और मैं शहर के घूंट पीकर सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन आप ऐसा नहीं होगा। मुझे पावर चाहिए, पावर, और ये मैं छोटे से लेकर जाऊंगा। भैया जी, अपने जीते जी कभी नहीं देंगे, इसलिए उसे मरना होगा। ये क्या प्लानिंग चल रही है? आप जो भी सोच रहे हैं गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये सोचा है ये होगा कैसे? अभी सोचा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। रास्ता अपने आप नहीं बनता है। अगर ऐसा होता तो आप अब तक चुप नहीं बैठते। क्या मतलब? आप बस बैठ के चिल्लम फूकिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला। जो भी करना है मुझे ही करना होगा। मेरे बेटे के भविष्य के लिए मुझे ही सोचना होगा। ठकुराइन, ठकुराइन नहीं, तुम्हारी पुष्पा। हाँ पुष्पा, बोलो कैसे याद किया? मैं अपने बेटे को इस घर का वारिस बनाना चाहती हूँ। अच्छा सोचा है। हर माँ को अपने बच्चे के अधिकार के बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन भैया जी ऐसा नहीं चाहते, वो ऐसा होने नहीं देंगे। मुझे आपकी मदद की जरूरत लगेगी। आप विजय बहादुर जी को जानती हैं ना? उन्हें कौन नहीं जानता। तो विजय बहादुर जी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी है, तो वहाँ आपको बबलू को किसी तरह भेजना है भैया जी के साथ। बाकी का मैं देखूंगा। दोनों पहुंच जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। तो मेरा भी वादा है। तुम्हारा काम हो जाएगा पुष्पा। जल्दी मिलती हूँ आपसे। प्रणाम ठाकुर सर। पकड़ा ला।
क्या नाम है तुम्हारा? मनीष ठाकुर सर। ये पकड़ो, ये भी पकड़ो, और काम में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, समझा? काम तो पक्का हो जाएगा ठाकुर साहब, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज की रात विक्रम की जिंदगी की आखिरी रात होगी, लेकिन पकड़े जाने के बाद मालिक आप मुझे बचा लेंगे ना? अव्वल तो तुम पकड़े नहीं जाओगे, तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड देख लिया है मैंने। जी मालिक। और अगर पकड़े गए तो पुलिस के सामने चुपचाप इल्जाम कबूल कर लेना कि पुरानी रंजिश के चलते तुमने विक्रम को मारा। ठीक? ठीक है मालिक। फिर अदालत में मुखर जाना। जी ठीक? ठीक है। उसके बाद जेल से बाहर निकालने का जिम्मा मेरा। ठीक है मालिक, प्रणाम। ध्यान से जाना। मालिक वाह, आपने तो एक तीर से दो शिकार कर दिए। भैया जी और उसके खून का इंतजाम ठकुराइन कर रही है, और उसके नाजायज खून का इंतजाम आपने कर दिया। मैंने तो कर दिया, दिमाग तो तेरा भी है ना। मैं तो आपका गुलाम हूँ मालिक। एक बार पावर आ जाने दे, फिर तो गुलाम नहीं रहेगा, बसीर होगा, बसीर। प्रताप, विजय बहादुर जी की पार्टी में कैसे क्या करना है सब सेट कर दिया ना? जी भैया, राणा ने अपनी टीम लगा दी है। राणा? हाँ भैया। सब भरोसे के आदमी है ना? हाँ भैया, सब व्यवस्था कर दिया है। अगर कोई गलती से पकड़ा गया ना तो अपना मुंह नहीं खोलेगा। उनको समझा दिया कि उनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। गुड। वैसे भी जो हमारे प्रति वफादार रहे, हमें भी उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। भैया आपसे एक बात पूछनी थी। आपको कैसे लगा कि वो ठाकुरायन इस तरह का कदम उठा सकती है? जर जोरू जमीन, महाभारत में द्रौपदी ही कारण नहीं थी, सत्ता के लिए वर्चस्व की लड़ाई थी। अब देखो ना, हमने भी इस महाभारत में एक कर्ण खोज लिया है। कर्ण? कौन है वो? अजीत। उसके सारथी का बेटा। उसको फोन लगाओ और उसको आज पार्टी में बुलाओ। जी भैया। अरे बबलू। जीताऊ जी, ये रामलखन की जोड़ी पार्टी में जा रही है ना? हम नहीं भैया जा रहे हैं। प्रणाम ताऊ जी। तू नहीं जा रहा? हम क्या करेंगे वहां जाकर के? तुम घर पर रह के क्या करोगे? क्या यार भाई, छोटे की ताकत बबलू और बबलू की ताकत तुम। हाँ वो तो है। अगर एमपी की टिकट दिलवानी है छोटे को तो हवेली की ताकत दिखनी चाहिए। दिखनी चाहिए कि नहीं ताऊ जी? बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ताऊ जी। चल छोटे, आज तू भी मेरे साथ में चलेगा। हाँ मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ। अरे अब तो बड़ा हो जा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना। पक्का? हाँ ताऊ जी, मैं लेके जाता हूँ इसको। चल तू आजा। प्रणाम ताऊ जी। आओ क्या बात, हीरो उस्ताद आज तुम्हें बड़ा करें हम हैं। चलो गाड़ी निकलो, चलो। विक्रम, प्रणाम। कुंवर जी खुश रहो। ये विक्रम को कहाँ भेजा आपने बबलू के साथ? पार्टी में। ये जानते हुए कि वो मौत की पार्टी है?
इसलिए तो भेजा। मतलब ये कि आज के बाद से इस हवेली पर सिर्फ मैं राज करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। आप अपने बेटे को मौत के मुंह में कैसे ढकेल सकते हैं? कैसे? अपना नहीं, सिर्फ तेरा बेटा हराम साथी। वो छोटे का एक पाप था जो तेरी कोख से फूटा था, और आज के बाद ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करना। ये तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। We'll be right back.
पापा चाचा पापा ठीक तो है चाचा पापा चाचा भैया निकलो अरे मार अरे देख क्या रहे हो भैया निकलो मार जी मारो हट बाबा सर चलिए लेकर निकलो मार चलो निकलो भरोसा निकलो निकलो